अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 सितंबर सन 2023। इस वक्त सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। अभी अभी मैं इधर पहुँचा हूँ और मेरे फैसलाबाद के जो दोस्त हैं राशिद भाई, वो मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं और ड्रॉप करते साथ ही फौरन निकल गए हैं। और उसकी वजह ये है कि बारिश शुरू हो गई थी और उन्हें तेज़ बारिश से पहले अपने ऑफिस पहुँचना था। तो पिछले 2 दिनों से मैं इधर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई का, उनकी मेहमान नवाजी का, उनके साथ रेल फैनिंग की, बहुत ही मज़ा आया। आज मेरी वापसी है फैसलाबाद से लेकर लाहौर के लिए, लेकिन मैंने रूट थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप सबको कुछ डिफरेंट दिखा सकूं। मैं अभी स्टेशन के अंदर जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आज मेरा सफ़र किस तरह से होगा। बारिश तेज़ होने लगी है और इससे पहले कि कैमरा वगैरह बैग भीग जाए, मैं चलता हूँ शेड के नीचे और फिर आपसे बकाया बात करता हूँ। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और बारिश का मंज़र आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत बारिश है। और बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ये एक पुराना स्टीम लोकोमोटिव लगा हुआ है और इसके इर्द गिर्द जो बाड़ लगी हुई है पौधों की, उसकी शायद छटाई नहीं हुई है काफ़ी दिनों से, तो बहुत बड़ी बाड़ हो गई है। यहाँ पे कुछ कम है, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम लोकोमोटिव 3078। बारिश तेज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से मुसाफिरों की एंट्रेंस होती है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में। तो चलते हैं अंदर और फिर बाकी बात करते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का ये मुसाफिर खाना है और यहीं से आप प्लेटफॉर्म पर एंटर हो सकते हैं। ये एंट्रेंस का बोर्ड है, चलते हैं अंदर। और पूरा जो प्लेटफॉर्म का फर्श है वो इस वक्त पानी से भीगा हुआ है। बड़ी मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही है इधर और बहुत ही खुशगवार मौसम हो गया है। मैं जाता हूँ किसी शेड के नीचे बैठता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आज मेरा सफ़र किस तरह अनफोल्ड होगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं अभी घूम रहा हूँ और सामने एक RG 25106 लोकोमोटिव इस वक्त शंटिंग एक्टिविटी में मसरूफ़ है। और लगता है कि जो 27 अब शालीमार एक्सप्रेस आई थी आज कराची से, उसको यहीं पर टर्मिनेट कर दिया गया है और उसकी धुलाई वगैरह यहीं पे होगी। जबकि 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को एक शटल ट्रेन लेके आएगी लाहौर तक और फिर वो इसमें ज़म होके आगे कराची के लिए रवाना होगी। ये पाकिस्तान रेलवेज़ ने वक्त की बचत के लिए एक नया फार्मूला निकाला है, देखते हैं कितना कामयाब रहता है आने वाले दिनों में। वाह, क्या खूबसूरत RG 20 की विसल, और क्वेटा की याद आ जाती है जब भी मैं ये विसल सुनता हूँ, मज़ेदार। उस मेन प्लेटफॉर्म से मैं ये वाला बोर्ड देख रहा था फैसलाबाद का, तो दिल चाह के इसके पास चल के आया जाए, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। और अब बारिश भी हल्की हो गई है बिल्कुल, तो यहाँ पर खड़ा होके मैं आपसे बात करता हूँ कुछ। ज़बरदस्त, जितनी दफ़ा भी RG 20 का विसल सुन लो आपका दिल नहीं भरता। तो मैं इस वक्त फैसलाबाद शहर में मौजूद हूँ, 2 दिन से इधर आया हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे ही हैं, सर शमीर रोड रेलवे स्टेशन को कल कवर किया, आज मेरी वापसी है लाहौर की तरफ, लेकिन रूट मैंने चेंज कर दिया है। मैं अब ट्रैवल करूँगा फैसलाबाद से लेकर वज़ीराबाद या गुजरात तक, डिपेंडिंग ऑन टाइम। टिकट मैंने गुजरात तक की परचेज़ की है 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस पर, और उसकी वजह ये कि आपको फैसलाबाद से वज़ीराबाद का सेक्शन जो कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर वाक़ है वो दिखाऊं। और इत्तेफाक से आज मौसम भी
बहुत ही प्यारा हो गया है। ये सारा इलाका सरसब्ज हरियाली से ढका हुआ है, सरसब्ज खेत हैं इसके दोनों तरफ रेलवे ट्रैक के, तो ये बहुत अच्छा सफ़र होता है। आपको सोचा वो दिखा दूं। अब गुजरात से या वज़ीराबाद से मैंने कैप्चर करनी है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस लाहौर के लिए, तो ये अब टाइम पे डिपेंड करेगा कि मैं उस वक्त तक कहाँ पहुँचता हूँ, तो वज़ीराबाद पे उतरूँ या गुजरात पे, ये आगे वक्त ही बताएगा। तो अभी मैं वेट करूँगा इधर, और पहले कराकरम एक्सप्रेस आएगी ऑब्वियसली, अभी तक तो वो 45 से पीछे है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में गोजरा के पास ओवरटेक करेगी, उसको देखेंगे, और फिर 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस आएगी तो उसमें बैठ के अपना सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बारिश होती है तो सब चीज़ें निखर जाती हैं, और ये जो एक दरख्त लगा हुआ है मेरे ख्याल में शायद ये बुड़ का दरख्त है, और बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स हो गए हैं, और बिल्कुल ही हरा भरा दिख रहा है, ये मज़ा आ रहा है आज इधर अपना वक्त गुजार के। सामने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का लोको शेड भी मौजूद है, और ये इसका वसी यार्ड, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ये, 2 और 3, यहाँ के बेंचेस खाली हैं बिल्कुल, तो किसी एक बेंच पे बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हैं, और आने वाली ट्रेन्स का इंतज़ार भी करते हैं। PHA 208311, ये इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन के रेक की मार्शलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने AC कोचेस को आगे किया है, इकॉनमी कोचेस को पीछे किया है, कुछ इस तरह करके अब पूरा रेक तैयार कर दिया है शालीमार एक्सप्रेस का, और अब इसको ये मेन प्लेटफॉर्म पे या जहाँ पर भी इसको इजाज़त होगी वहाँ पे लगाने लगे हैं। और शटल ट्रेन भी शायद 8 बजे 8:30 बजे तक आ जाए इधर, तो उसके मुसाफिर फिर शालीमार एक्सप्रेस में ट्रांसफ़र होंगे और फिर ये आगे रवाना होगी। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो मैंने कहा आपको बता दूं। बादल मज़ीद गहरे हो गए हैं, और देखें आगे क्या बारिश की सूरत हाल देखने को मिलती है। 8:11 हो रहे हैं, और शटल ट्रेन पहुंच गई है फैसलाबाद, शालीमार शटल ट्रेन, ये लगी हुई 28 डाउन, और ये आई है शटल ट्रेन लाहौर से। तो टाइम पे करने के लिए देखें रेलवे कितनी एक्टिव है कि लेट ना हो और मुसाफिरों को अजियत ना हो, इस वजह से इतनी एफर्ट की है, फ्यूल भी एक्स्ट्रा चलाया है, रिसोर्सेज भी यूज़ किए हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। इस वक्त तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, और शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद से रवाना होने लगी है, तो GU40 जा रहा है उसके साथ, और GU40 के साथ एक और मिनिएचर GU40 आपको दिखाता हूँ। GU40 लोकोमोटिव 9054, और पानी आ गया ज़रा बारिश का, और ये हमज़ा भाई, और इनके पास है GU40 का मॉडल, तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ख़ुद बनाया है ये, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाई। तो ये बताएं कि ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आपने मॉडल बनाया है जी, तो ख़ुद अपने हाथों से बनाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने हाथों से। तो क्या इसमें मटेरियल आपने यूज़ किया? PVC शीट का इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है। और इसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो आपने कैसे निकाली थी? वो रियल जोन सा GU40 का मॉडल है, उससे इसको कन्वर्ट किया उसकी रियल मेजरमेंट लेके। सॉरी ज़रा सा पानी आ रहा है लेंस पे, वो साफ़ कर दूँ।
तो कितना इसमें खर्चा आ गया बनाने में? तकरीबन 10,000 से 12,000 इसके ऊपर खर्चा आ रहा है, और 15,000 तक सही। अच्छा, यानी आप कमर्शियली तौर पे इसको सेल भी कर रहे हैं? जी सही। अगर किसी ने बनवाना हो तो आपसे कैसे रابطہ कर सकता है? मेरा YouTube चैनल है, उसमें आपको भी मैं दे दूंगा उसका लिंक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देना जिस भाई आपको मॉडल चाहिए हो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सही है। ये स्क्रीन पर आपको इस वक्त हमज़ा का YouTube चैनल भी नज़र आ रहा होगा, वो विज़िट करें। और आपने अगर ऐसा ज़बरदस्त मॉडल बनवाना है तो हमज़ा से ज़रूर रابطہ करें। तो बहुत ज़बरदस्त हमज़ा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और आपका ये रेलवे के लिए शौक़ देख के दिल खुश हो गया, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। 9:06 हो रहे हैं और अब 41 अब कराकरम एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। GU 40 9011 इसकी लीड पर है, चक रिसाले वाला पर इसका और शालीमार एक्सप्रेस का क्रॉस हुआ है। हमज़ा बड़ी मेहनत से अपने लोकोमोटिव के साथ ट्रेन की एंट्री को कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ही सोनी किस्म की बारिश लगी हुई है और इतना अच्छा आज मूड हुआ है कि आपको क्या बताऊं। कराकरम एक्सप्रेस यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करेगी और मुसाफिर उतरेंगे इधर। काफ़ी हद तक कराकरम एक्सप्रेस यहीं पे खाली हो जाती है और फिर ये आगे लाहौर के लिए रवाना होगी। मेरा पहले इरादा यही था कि इस पे मैं लाहौर चला जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा डिफरेंट किया जाए, और मैंने गुजरात तक पाकिस्तान एक्सप्रेस पे बुकिंग करा ली। इसके बिल्कुल पीछे पीछे ही है पाकिस्तान एक्सप्रेस, और उम्मीद करता हूँ कि इसके रवाना होने के 5-10 मिनट बाद वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। बारिश तेज़ होती जा रही है। क्या हुआ, तेज़ हो गई बारिश? सही। मैं फिर अपनी इस प्रोटेक्शन में आ जाता हूँ इस दरख्त के नीचे। लेंस भी साफ कर लेता हूँ। कराकरम एक्सप्रेस मोस्ट प्रीमियम ट्रेन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ग्रीन लाइन, और ये चलती है कराची और लाहौर के दरमियान बरास्ता फैसलाबाद। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ पहाड़ी सिलसिले कराकरम रेंजेस पर इसका नाम है। क्या ब्रेकें लगी हैं जनाब, ज़बरदस्त। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं और फाइनली मेरी ट्रेन 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस GU 40 9049 लोकोमोटिव के साथ यहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के बारे में आपको बताऊँ, ये ट्रेन चलती है कराची से लेकर रावलपिंडी तक बरास्ता फैसलाबाद, और GU 40 नॉर्मली इसको लीड करता है फैसलाबाद तक, और फिर फैसलाबाद से आगे रावलपिंडी तक इसको PHA 20 नॉर्मली लीड करता है। आज भी PHA 20 इसके लिए बुक हुआ है। GU 40 9049 ने अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर ली है और अब इसको डिटैच कर दिया गया है। साथ में एक लगेज वैन और एक इकॉनमी क्लास कोच भी उतारी गई है। यहाँ पे अब तकरीबन आधा घंटा मार्शलिंग होगी, कुछ शंटिंग एक्टिविटी होगी। नया लोकोमोटिव भी लगेगा PHA 20 का, तो उसको देख के फिर अपनी कोच में चलते हैं। बड़ी तेज़ी से PHA 20 8315 इधर पहुंच गया है 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ अटैच होने। इसकी वर्किंग होगी आज फैसलाबाद से लेकर रावलपिंडी तक।
मैं आपको ये बता दूं, आज मैंने गुजरात तक की बुकिंग कराई है पाकिस्तान एक्सप्रेस में, और क्लास मैंने चूज़ की थी एसी लोअर की, क्योंकि एसी लोअर का किराया 1,050 रुपये आ रहा था, जबकि इकॉनमी क्लास का किराया था 800, तो सिर्फ 250 रुपये का फ़र्क था। और पाकिस्तान एक्सप्रेस इतनी भरी हुई होती है कि उसमें इकॉनमी क्लास में तो खड़े होने की जगह भी नहीं होती, तो मैंने कहा कि एसी में करा लूं बुकिंग। लेकिन एसी कोचेज इसकी पीछे की तरफ लगती हैं, जबरदस्त डीजल साउंड्स, PHA 20 हिटाची लोकोमोटिव की, द ओल्ड हॉर्स ऑफ पाकिस्तान रेलवेज। तकरीबन आधे घंटे की शंटिंग एक्टिविटी होती है फैसलाबाद पर 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस की, और मैं अब चलता हूँ अपनी कोच की तरफ, क्योंकि ऐसी कोचेस लग रही हैं दोबारा। फैसलाबाद के कोटे की कोचेस को उतार दिया गया, अब सिर्फ पिंडी कोटा कोचेस मौजूद रह गई हैं। मेरी बुकिंग है आज 2 नंबर कोच में, और बर्थ नंबर है 56, जो कि पैसेज वाली बर्थ कहलाती है। चलते हैं उसमें, बैठते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है रश की। इकॉनमी क्लास तो बिल्कुल फुल है, दरवाज़े भी फुल हैं, ये देख सकते हैं। तो इतने रश में फिर व्लॉगिंग सही होती नहीं है, बाहर के नज़ारे कैप्चर नहीं हो पाते सही, तो इस वजह से एसी लोअर मैंने चूज़ किया है। देखते हैं फैसला सही रहता है या नहीं। फाइनली अपनी कोच के पास मैं पहुंच गया हूं, और इस बोर्ड के पीछे ये जो कोच है एसी स्टैंडर्ड की, ये 2 नंबर कोच है, इसमें सवार होता हूं। देखता हूं कैसी कोच है, कूलिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब है। अपनी एसी लोअर कोच में मैं आके बैठ गया हूं, और ये मेरी सीट है आज 56 नंबर, ये लगा हुआ है नंबर, और इत्तेफाक से नीचे वाली है जिसकी इस हिस्से को मैंने फोल्ड कर दिया है, तो बैठने वाली सीट बन गई है। ये कूलिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी कूलिंग है क्योंकि मौसम ठंडा है बाहर का। तो सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज वज़ीराबाद पे उतरना पड़ता है या गुजरात पे। सुबह के 10 बज रहे हैं और फाइनली सफ़र शुरू हो चुका है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। बारिश अभी भी रिमझिम जारी है, कभी रुक जाती है कभी होने लगती है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद के यार्ड को हम छोड़ देंगे। हमज़ा यहाँ पे खड़े होकर डिपार्चर कैप्चर कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। बारिश में बहुत ही हरा भरा यार्ड लग रहा है फैसलाबाद का, जो घास उगी हुई है वो खिल के नज़र आ रही है। फैसलाबाद से चक झुमरा और फिर सांगला हिल तक जो सफ़र है वो तकरीबन वैसा ही है जो पिछले 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के व्लॉग में आपने देखा था। लेकिन फिर सांगला हिल जंक्शन से जब हम सुखेखी, हाफिज़ाबाद, अलीपुर चट्ठा और मंसूर वाली की तरफ डाइवर्ट करेंगे, तो वो थोड़ा नया इलाका होगा, और उसी पे मेरा फोकस आज ज़्यादा होगा कि आपको वो दिखाऊं।
काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा मेरे ये दो दिन फैसलाबाद में, और रेल फैनिंग के हिसाब से बहुत ही यादगार। अब चलता हूँ अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं अपनी सीट पे और फिर दोबारा दरवाज़े पे आके बाहर के मंज़र कैप्चर करते हैं जब शहर से बाहर निकलती है ट्रेन। फाइव अब पाकिस्तान एक्सप्रेस का सफ़र जारी है। इस वक्त चक झुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, कुछ ही देर में वो गुजरेगा। स्टेशन से पहले ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी घास होगी हुई है और लहलहाती भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और ये भी आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद में तो ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन यहाँ की ज़मीन वगैरह देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि सारी ज़मीन सूखी हुई है बिल्कुल। तो ये भी अल्लाह ताला की शान है कि एक छोटे से एरिया में एक जगह पे बारिश हुई है ठीक ठाक और एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं हुई। चक झुमरा जंक्शन पहुंचने तक काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है ट्रेन ने। चक झुमरा जंक्शन से जो कुंदियाँ वाली ब्रांच लाइन है वो निकलती है। बहुत ही ज़बरदस्त रन PHA 20 का, और ये वाली लाइन आगे चिन्योट वगैरह से होती हुई सरगोधा पहुंचती है। मिलत एक्सप्रेस इस पे सफ़र करती है, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पे ज़रूर आपको सफ़र कराऊंगा। और ये उसी की बाईपास लाइन, अगर कोई ट्रेन सरगोधा की तरफ से आ रही हो उसको चक झुमरा स्टेशन पे लाए बगैर सांगला हिल और लाहौर की तरफ मोड़ सकते हैं इस बाईपास लाइन के ज़रिए। चलते हैं दोबारा अंदर और स्पीड मेजर करते हैं। चक झुमरा जंक्शन और सांगला हिल जंक्शन के दरमियान इस वक्त ट्रेन तकरीबन 95 से 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से क्रूज़ कर रही है। ज़बरदस्त सफ़र PHA 20-8315 के साथ। दस बजकर 37 मिनट हो रहे हैं और सांगला हिल जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन। काफ़ी यादें हैं मेरी इस रेलवे स्टेशन से। कुछ साल पहले मैं यहां पर आया था और पूरा दिन मैंने गुजारा था रोज़े की हालत में और रेल फैनिंग की थी, तो यहां से जब भी गुज़रता हूं वो दिन याद आ जाता है। यहां से अब हम वज़ीराबाद की तरफ मुड़ जाएंगे और एक ट्रैक यहाँ से शादरा जंक्शन की तरफ निकलता है, तो यहाँ से अब वज़ीराबाद तक थोड़ा डिफरेंट रूट होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिटेल में दिखाऊँ। एक छोटा सा स्टॉप करने के बाद अब सांगला हिल जंक्शन से रवाना हो रही है ट्रेन। ये सांगला हिल जंक्शन के मशहूर ज़माना समोसे, जिनके अंदर फिलिंग ना होने के बराबर होती है। एक दफ़ा सफ़र के दौरान मैंने ये ट्राई किए थे, अगर आपको वो वाला व्लॉग याद हो,
बिल्कुल ही खाली होते हैं अंदर से। 214 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ ये सांगला हिल जंक्शन खानेवाल से वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर। ये समोसे वाले भाई थे जिनके हाथ में कागज़ के लिफाफे थे। पंद्रह किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार का बोर्ड लगा हुआ था फॉर वज़ीराबाद, यानी अगर ट्रेन ने वज़ीराबाद की तरफ मुड़ना है तो उसको अपना पॉइंट चेंज करने तक 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से होना होगा सेफ्टी के लिए। और ये ट्रेन हमारी कर्व कर रही है वज़ीराबाद की तरफ रोक करते हुए, जबकि कोशिश करता हूँ आपको दूसरे दरवाजे से वो वाली लाइन भी दिखाऊँ जो लाहौर की तरफ जा रही है, शादराबाग की तरफ जा रही है। ये दूसरा दरवाज़ा, ये वाली लाइन शादराबाग और लाहौर की तरफ जा रही है। हमें आगे क्रॉस भी मिलेगा 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है। आगे जो स्टॉप्स हैं 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस के वज़ीराबाद तक, उनमें सुखे की, हाफिज़ाबाद, अलीपुर चट्ठा शामिल हैं। दूसरी तरफ से कर्व बड़ा अच्छा नज़र आएगा, तो दूसरे दरवाज़े पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा कर्व ले रही है ट्रेन, बस रेलवे लाइन के साथ जो पड़ा हुआ कचरा है वो इस कर्व को गहना कर रहा है। PHA-20 का भी स्मोक नज़र आ रहा है, धुआं मार रहा है सही। सफ़र जारी है और एक दफ़ा फिर बादल छा गए हैं। इस वक्त एक बहुत ही यूनिक नाम के रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं और इसका नाम है मढ़ बलोचा। अक्सर 45 और 46 का क्रॉस यहीं पे पड़ जाता है, लेकिन आज थोड़ी सी शायद लेट है 45 अब, तो देखें कहाँ पे क्रॉस मिलता है। मढ़ बलोचा, अगला रेलवे स्टेशन होगा सुखेखी का, जहाँ पर पाकिस्तान एक्सप्रेस का स्टॉप भी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सरकंडे लगे हुए, ज़बरदस्त नज़ारे हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे, हरे भरे खेतों के दरमियान से ट्रेन गुज़र रही है। कुछ कुछ जगहों पर खेत खाली भी हैं,
जहाँ से फसल उतार ली गई है। ज़्यादातर इस एरिया में चावल की फसल होती है और ये जो अभी सामने खेत गुजर रहा है इसमें चावल ही लगा हुआ था जो कि अभी उतार लिया गया है, जबकि सामने वाले खेत में अभी भी चावल लगा हुआ है। ग्यारह बजकर 9 मिनट हो रहे हैं और अभी अभी ट्रेन सुखे की रेलवे स्टेशन पर आके रुकी है। जी ये वही सुखे की रेलवे स्टेशन है। अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हो तो एक सुखे की सर्विस स्टेशन आता है, वहाँ पे लोग रुकते हैं, खाना पीना करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये उसी शहर का रेलवे स्टेशन है और मेरे ख़्याल में क्रॉस भी यहीं पे अरेंज होगा 45 और 46 का, क्योंकि सिग्नल नहीं हुआ है और वो ट्रेन भी हाफिज़ाबाद से चली हुई है, तो कुछ ही देर में 46 डाउन भी यहाँ पे पहुँच जाती है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। 11 बजकर 22 मिनट हो रहे हैं और तकरीबन 15 से 18 मिनट वेट करने के बाद फाइनली 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच गई है और PHA 28303 लोकोमोटिव इसकी लीड पर है। और इसमें तो फहीम भाई भी जा रहे हैं। फहीम भाई ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, बड़ा सरप्राइज मिला है। मैं जाता हूँ दूसरी तरफ इससे पहले कि मेरी ट्रेन निकल जाए। क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक ठाक। हटो यार उस वाली गाड़ी में जाना है, मैं जाता हूँ अपनी ट्रेन में। इन मौलवी साहब की तस्वीर आनी चाहिए, ठीक है, आपके ब्लॉग में इनकी तस्वीर आनी चाहिए पहले। सुखे की रेलवे स्टेशन पर एक मुख्तसर सा क्रॉस हुआ, दोनों ट्रेन्स की मुलाकात हुई, दोनों ही पाकिस्तान एक्सप्रेस हैं, एक अप की एक डाउन की, और फिर यहाँ से रवाना हो रही है ट्रेन। एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज मिला फहीम भाई साइट्स एंड साउंड्स वाले, वो 46 डाउन की कैब में ट्रैवल कर रहे थे, शायद अपने किसी रेल फैनिंग एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हों। अभी उनसे मालूम करता हूँ कि कहाँ का इरादा है उनका। ज़बरदस्त। सुखेकी से रवाना होते साथ ही एकदम से स्लो ही ट्रेन, और बाहर देखा तो यहाँ पे रेड फ्लैग कॉशन लगा हुआ है, स्लीपर्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ही डेड स्लो स्पीड में पास कर रहे हैं इधर से। अभी फहीम भाई को भी मैंने फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि वो भी रेल फैनिंग करने जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, तो ये उनका प्लान, मैंने कहा आपको अपने व्लॉग के ज़रिए बता दूँ। ये मेहनती गैंगमैन रेलवे के जो इतने भारी भरकम स्लीपर्स चेंज करते हैं और रेलवे का पहिया रवां दवां रखते हैं। बाहर के नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं, हरियाली हर जगह, और दूर अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो वहाँ पे एक मशीन भी काम कर रही है खेत में, और जहाँ जहाँ से वो गुज़रती है सारे परिंदे बगले उधर आ जाते हैं, क्योंकि जो कीड़े वगैरह निकलते हैं ज़मीन में से वो उनको खाने के लिए आते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र है ये। कॉशन एरिया क्लियर करते साथ ही PHA 20 लोकोमोटिव ने एक्सेलरेशन दी है ज़बरदस्त,
और यहाँ पिछले डब्बे तक बिल्कुल आखिर में भी उसकी आवाज़ आ रही है बहुत ज़बरदस्त। इस क्रॉस की वजह से और इस कॉशन की वजह से मज़ीद 20 मिनट लेट हो गई है ट्रेन, और अब मैं यही कंफ्यूज हूँ कि मुझे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस मिल सकेगी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ मैं, और साथ में और भी रेल फैंस मिल गए हैं, वो भी सफ़र एंजॉय कर रहे हैं, उनसे एक छोटा सा मीटअप करते हैं। तो अहमद रज़ा, दाऊद रज़ा जी, और उनके फादर जी, कैसे हैं आप सब लोग? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कराची से गुजरात का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान एक्सप्रेस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? अच्छा रहे। कूलिंग वगैरह सही थी रात को? हाँ जी, थोड़ा सा इशू हुआ था तो हमने बात की, तो हम लोगों ने फिर टेम्परेचर डाउन कर दिया। ऑपरेटर अच्छा, यानी तेज थी? नहीं, स्लो थी, तो फिर हमने थोड़ा सा अच्छा अच्छा सही टेम्परेचर करवा दिया। चले, बहुत खुशी हुई आप लोगों से, थैंक यू। सुखेही और हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान एक काले के रेलवे स्टेशन आता है, जिससे अभी अभी हमने थ्रू पास किया है। उसके फौरन ही बाद स्पीड थोड़ी सी तेज़ हुई है ट्रेन की, अब तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास दौड़ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स आ रहे हैं, और बाहर के नज़ारों का तो क्या ही कहना। बाद से कुछ पहले ये मछली के तालाब आए हैं, फिश फार्मिंग होती है इधर। ये स्नैक्स लेके आए हैं भाई, और इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें चने की दाल है, रेवड़ियाँ, नीमको और भुने हुए चने। तो सफ़र में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं चीज़ें, मुझे ये चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मूंग की दाल भी बहुत मज़े की होती है, वो इनके पास है नहीं, तो ये मैंने एक ले ली है, और इसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़, 30 रुपये मैं इन्हें दे देता हूँ। दोपहर के 12:01 हो रहे हैं, और हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। हाफिज़ाबाद शहर की एंट्री मैं नहीं दिखा सका, क्योंकि उस वक्त जो दरवाज़े थे वो ऑक्यूपाइड थे, तो रश हो गया था एकदम से, इस वजह से मैं जब ट्रेन रुकी है तो नीचे उतर हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे उतर रहे हैं और सवार भी हो रहे हैं। बड़ा शहर है और डिस्ट्रिक्ट भी है हाफिज़ाबाद, ज़बरदस्त। एक मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद हाफिज़ाबाद से ट्रेन रवाना हो गई है। एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हाफिज़ाबाद, और दरियाए चनाब के शुमाल में वाक़ है। यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ है, और आपने देखा ही होगा आसपास जब ये शहर आने वाला था तो वहाँ पे कितना ज़्यादा सब्ज़ा था। ब्रिटिश ज़माने के ये वाटर टैंक्स हैं जो हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, और बड़े बड़े दरख्त जो कि काफ़ी पुराने हैं, अपने तनों से लग रहा है कि काफ़ी ओल्ड हैं ये।
45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस का अगला स्टॉप होगा अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन का। धूप भी निकल आई है, अब बादलों वाला मौसम आहिस्ता आहिस्ता छटता जा रहा है। ये बड़े बड़े इंसानों के कद से भी ज़्यादा ये पौधे हैं, जंगली पौधे। काफ़ी अच्छी रफ्तार में ट्रेन क्रूज़ कर रही है और हाफिज़ाबाद और अलीपुर चट्ठा के दरमियान एक अबैंडन्ड स्टेशन आता है गाजर गोला। बड़ा ही यूनिक नाम है गाजर गोला। मैंने कहा आपको ये भी दिखाता चलूं। उम्मीद करता हूं इधर कभी रेल फैनिंग के लिए ज़रूर आऊंगा क्योंकि इसका नाम बहुत ही यूनिक है। इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन पहुंच गई है 45 अप। कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाती है। दरवाज़े पे रश बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अंदर खिड़की से ही बना रहा था वीडियो। अब उतरता हूँ नीचे। ये सारा रश अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन पर उतरने के लिए। चलें जी। ये अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन का बोर्ड। यहाँ से भी काफ़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पर मैं और बिलाल आए थे रेल फैनिंग के लिए और यहाँ के एक रेल फैन फाद मुग़ल भाई के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। आज बस जल्दी जल्दी मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर सका। होपफुली वो ये व्लॉग देखेंगे तो गिला करेंगे। सबसे ज़्यादा रश होता है इस रेलवे स्टेशन पर, आप सामने देख सकते हैं। इकॉनमी क्लास कोचेस के पास एक जमघटा लगा हुआ है। अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है ट्रेन। ये सामने अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और लगता है इसको नए पेंट की ज़रूरत है। दीवारों पे बिल्कुल काई जम गई है। यहाँ भी बारिश हुई है और प्लेटफॉर्म पर पानी के पडल्स बने हुए हैं। लोग जो यहाँ पहुँचे हैं अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। मैं और बिलाल जब अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन आए थे हमने एक ट्रेन का डिपार्चर शायद इसी जगह पे खड़े होके कैप्चर किया था। बिल्कुल भी नहीं बदला, अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन बिल्कुल वैसे का वैसे ही है और स्टेशन के बिल्कुल साथ ही ये जंगली पौधे लगे हुए हैं, सरकंडे कहते हैं ना शायद। अगला स्टॉप अब इसका वज़ीराबाद जंक्शन ही होगा। अब मैं कैलकुलेट करूंगा अंदर बैठ के कि मुझे वज़ीराबाद जंक्शन पे उतरना चाहिए या गुजरात तक चले जाना चाहिए। असल मैंने टिकट गुजरात तक इसलिए कराई थी कि वहाँ के मशहूर जो पकोड़े और नान हैं वो गुजरात स्टेशन से लेके खाऊं, उसका लंच करूं। लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट हो गई
तो इसलिए अब देखना पड़ेगा 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस की पोजीशन को देख के कि वज़ीराबाद उतरा जाए या गुजरात। अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाद एक खूबसूरत इलाके से गुजर रहे हैं। चावलों की फसल से भरा हुआ है ये इलाका। ट्रैक साउंड्स भी बहुत कमाल की हैं, एंजॉय करें। अलीपुर चट्ठा और वज़ीराबाद के दरमियान इस जगह पे ट्रेन कर्व लेती है बहुत ज़बरदस्त, तो वही कर्व कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एक नहर से गुजरने वाली है ट्रेन। कुछ साल पहले इस नहर पे एक ट्रेन भी कह लें कि गिर गई थी, जिसकी वजह से इस ट्रैक पे ट्रैफिक मुअत्तल रहा था। ज़बरदस्त नज़ारे, सुभान अल्लाह। जाम के चट्ठा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से क्रॉस हुआ है। मैं अंदर बैठा हुआ था कोच में, तो वक्त पे जा नहीं सका उसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन इस गदली सी खिड़की में से फिर भी मैंने आखिरी मोमेंट पे अपना कैमरा ऑन कर ही लिया। अब गुज़रने लगे हैं मंसूर वाली रेलवे स्टेशन से, और ये रेलवे स्टेशन आप कह लें वज़ीराबाद से पहले आखिरी रेलवे स्टेशन है। उसके बाद ये खानेवाल से वज़ीराबाद ब्रांच लाइन अगले स्टेशन पे जाके ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी पुरसकून रेलवे स्टेशन और हरा भरा भी है, इसके आसपास आपको कचरा भी नहीं देखने को मिल रहा। और स्टेशन की हदूद ख़त्म होते साथ ही हरे भरे खेत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूं कि मुझे उम्मीद ऐसी हुई है
कि मैं गुजरात तक जा सकता हूँ। इसका एस्टिमेटेड टाइम गुजरात पहुँचने का आ रहा है 1:45 का, जबकि जाफ़र एक्सप्रेस 2:10 पे गुजरात पहुँचेगी 40 डाउन। तो मेरे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट होंगे इंशाल्लाह ताला, और उन्हीं 20 मिनट में मैं जाफ़र एक्सप्रेस में गुजरात से सवार हो सकूँगा। तो आज दरियाए चुनाब को एक ही दिन में 2 दफ़ा बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैं क्रॉस करूँगा। वज़ीराबाद के बिल्कुल करीब हैं अब, और ये सो सामने रोड आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी रोड के ज़रिए मैं और बिलाल एक दफ़ा अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन गए थे रेल फैनिंग के लिए। ब्रेक्स भी अप्लाई हो गई हैं और वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन आने लगा है, उसको इस वाले दरवाज़े से कैप्चर करते हैं। यहाँ से आपको नज़र आ ही रहा होगा कि वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का यार्ड कितना वसी है। ये सारा हिस्सा जो इस वक्त मेरे लेफ़्ट पे मौजूद है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा अबैंडन्ड भी हो चुका है, और ये एक मेरे ख़्याल में फ्रेट साइडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर तो अब खाना बदोशों ने अपने टेंट भी बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कर्व लेते हुए वज़ीराबाद के बारे में आपको बताऊं, ये जंक्शन है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का। इसके अलावा जो मेन लाइन 1 है वो भी वज़ीराबाद जंक्शन से गुज़रती है। इसके अलावा वज़ीराबाद से सियालकोट नारोवाल के लिए भी एक लाइन निकलती है। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का। पीछे जो आपको रोड नज़र आ रहा है जिस पर ये एक हाईएस्ट दौड़ती हुई जा रही है, ये जीटी रोड है। अब तो खैर इस जीटी रोड का बाईपास बन चुका है, लेकिन जब कदीम ज़माने में जीटी रोड शहर के अंदर से गुज़रती थी तब ये जीटी रोड हुआ करता था। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, तो अभी ट्रेन रुकती है तब आपको प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा विज़िट भी कराता हूँ। वज़ीराबाद पहुंच चुकी है ट्रेन, और वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अब हम मेन लाइन पर सफ़र करेंगे। मेरा सफ़र सिर्फ आगे दरियाए चुनाब क्रॉस करते साथ ही गुजरात रेलवे स्टेशन तक होगा। वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लोग उतरे हैं,
ये मेन बिल्डिंग वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की। तकरीबन 10 मिनट रुकी रही है ट्रेन इधर, और मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि ना अभी कोई क्रॉस है ना कुछ, फिर भी इतना लंबा स्टे। बहरहाल चल गई है ट्रेन, होपफुली अगले 15 मिनट में मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा। वैसे खुशबू तो वज़ीराबाद के स्टॉल से भी बहुत अच्छी आ रही थी, पकोड़े बने जा रहे थे इधर ताज़ा ताज़ा। वाह, ठंडे पानी की बोतलों का स्टॉल भी लगा हुआ है इधर, ज़बरदस्त। लोग आ गए एकदम से उस स्टॉल के सामने, वरना वो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। वज़ीराबाद जंक्शन से निकलते हुए अब चलें, अब दरियाए चनाब को एंजॉय करते हैं और फिर गुजरात पहुंच के अपने इस फैसलाबाद से गुजरात तक के सफ़र का इख्तिताम करते हैं। स्पीड भी अब ठीक ठाक पकड़ ली है 45। अब पाकिस्तान एक्सप्रेस ने मेन लाइन 1 पर आते साथ ही, और अब कुछ ही लम्हात में दरियाए चनाब पे बने अलेक्जेंड्रा ब्रिज से गुजरने वाली है। एक 1:32 हो रहे हैं और फाइनली गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन 45। अब पाकिस्तान एक्सप्रेस, आज मैंने सफ़र किया फैसलाबाद से लेकर गुजरात रेलवे स्टेशन तक, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा। मौसम बहुत अच्छा था और मेरी कोच भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो अब यहाँ पर मेरा जो वेट है तकरीबन आधे घंटे का होगा, और उसके बाद मैं लाहौर के लिए रवाना होऊंगा 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस पर। तो आधा घंटा मुझे इधर गुजारना है, उसमें मैं टिकट वगैरह भी लूँगा और नए ब्लॉग की तैयारी भी करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये सफ़र आपने इंजॉय किया होगा। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।